है hey गाइस स्वागत है आप सब का तो चलिए आज एक ऐसी डिश बनाते हैं जो कि बहुत ही कम सामान में बन जाती है और इसके लिए ऐसा भी नहीं हो कि आपको रिग्रेट हो कि बहुत हैवी खा लिया तो बनाते हैं ढोकला या खमन तो हमने लिया बेसन उस एक कप उसमें डाला मैंने एक छोटी चम्मच नमक एक छोटी चम्मच चीनी और यहाँ पर मैंने डाल दिया तेल और एक छोटी चम्मच डाला हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा दही दही आधी कटोरी के करीब डाला है और उसके बाद ना हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको आप स्क्रीन पे देख लेंगे कि फ्लैश हो रहे हैं और यहाँ पे ना इसको अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी आधी छोटी चम्मच के करीब और इसको मिक्स करना है इसके अंदर कोई भी लम्बस नहीं होना चाहिए गाइस और जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे ना आपको यहीं पर मेहनत करनी है सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो है इसका जो बैटर बनाने में तो खूब अच्छे से फिटिए विस्कर का भी हेल्प ले सकते हैं विस्कर नहीं है तो आप जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर होता है आप उससे भी कर सकते हैं और उसके बाद ना इसको रेस्ट कर देंगे दस पंद्रह मिनट के लिए उसके बाद मैं तो विस्कर का ही यूज़ कर रही हूँ अच्छे से फेटिए आप फोक से भी कर सकते हैं वैसे तो और ये देखिए एक पतला सा बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेकिन पतला घोल इसका रेडी करना है और यहाँ पे मैंने डाला एक सैशे फ्रूट सॉल्ट यानी इनो मैंने डाला है और उसके बाद ना इसमें थोड़ी सी बूँदे मैं पानी की डाल दूंगी ताकि ये ना थोड़ा सा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए तो इसमें ना बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और इनो डालने के बाद ना इसे बहुत ज़्यादा मत फेंटिएगा वरना स्पंजी नहीं बनेगा बस हल्का सा फेंटिए ताकि मिक्स हो जाए तो इसमें ना एक झाग जैसा आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे ना मैंने एक बर्तन एक डोंगा कोई सा भी बाउल जो आप लेना चाहें उसको उस ग्रीस कर लीजिए अच्छे से और ये बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे और साइड ही हमने एक बर्तन लिया था उसमें पानी रख दिया था हमने गर्म करने के लिए और अब क्या करना है मेरे को लगा था पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया ना तो मैंने थोड़ा सा कम किया है और अब जैसे स्टीमर होता है आप स्टीमर में कर सकते हैं या कोई भी बर्तन लीजिए उसमें एक स्टैंड लगा लीजिए मैंने तो कटोरी ही डाल दी और उसके ऊपर अपना जो हमने बैटर डाला था ना वो रख देंगे और 20 मिनट के लिए इसको अच्छे से स्टीम होने देंगे मीडियम फ्लेम पे उसके बाद आप बीच में एक जो टूथपिक होती है या जो लकड़ी कोई भी स्क्यूअर या नाइफ डालिए अगर चिपचिपा लग रहा है तो इसको थोड़ी देर और पकाइए तब तक पकाना है जब तक कि जो हम नाइफ इसके अंदर डालें ना वो बिल्कुल क्लीन ना निकले तो देखिए मैंने इसको 20 से 22 मिनट मैंने रखा और ये देखिए ऊपर से हल्की सी क्रैक आ गई है और इसको हल्का सा ठंडा करेंगे जो क्रैक है ना ये इसका निशान है कि जो हमारा ढोकला है वो अच्छे से मतलब स्टीम हो चुका है तो चलिए हल्का सा इसको अब डीमोल्ड कर लेते हैं पहले तो हमने साइड से नाइफ डाला था और बहुत ही बढ़िया ये देखिए नीचे से हमने इसको किया था ना बिल्कुल रेडी हो गया है अब जब तक वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है इसका तड़का रेडी कर लेते हैं हमने डाली एक छोटी चम्मच राई और यहाँ पे एक हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और अब उसके अंदर डाल देंगे हम पानी पानी यहाँ पे एक से डेढ़ कटोरी डाल दीजिए आप या थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई इशू नहीं है अब हमें खट्टा मीठा पानी बनाना है तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें चीनी और नमक आप यहाँ पे सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो हम यहाँ पे नींबू का यूज़ करेंगे लेकिन वो तब जब हम इसको गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे तो गैस की फ्लेम ने बंद कर दी और नींबू भी नहीं छोड़ दिया और अब ना क्या करना है इसको पानी को हमें ढोकले के ऊपर डालना है तो चलिए पहले इसके पीसेस कट कर लेते हैं तो पीसेस तो जितने बड़े छोटे आपको चाहिए आप कर लीजिए तो ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी है और ये जो पानी हमने बनाया था ना खट्टा मीठा सा ये इसके ऊपर डाल दीजिए देखिए और इसको थोड़ी देर एब्जॉर्ब होने दीजिए पानी के साथ ही और ये इतना अच्छा पानी पिएगा जितना अच्छा पिएगा उतना ही टेस्ट इसके अंदर तक आएगा और जो ऊपर से हरी मिर्च है ये इसको साइड कर लीजिए और आपका ढोकला रेडी है एंजॉय